पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि यह नया वेरिएंट कमलनाथ वेरिएंट है। उन्होंने कहा कि देश के साथ घात करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, ये कहीं और से नहीं आते, और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा पर सवाल करने वाला ये कोरोना का कमलनाथ वेरियंट है। नरोत्तम मिश्रा की माने तो कमलनाथ मुर्दों से भी बात करते हैं, यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। इतिहास साक्षी है, इस देश के साथ में घात करने वाले जब भी हुए हैं वो इसी देश के हुए हैं, चाहे वो मीर जाफर हो चाहे जयशंकर। देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करने वाला ये कमलनाथ वेरिएंट एक नया आया है, और ये वेरिएंट जहां जहां भी फैलता है वो भारत के अपमान की बात करता है। कमलनाथ जी, मुझे अचंभा है कि पद की लोलुपता आपको इस उम्र में इतनी हावी हो जाएगी कि आप अपना पद बचाने के लिए देश को भी नहीं छोड़ोगे। मुझे तो अब शर्म आती है, देश का बच्चा बच्चा ईश्वर से जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने की प्रार्थना कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान को खतरे में डाल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि इस ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कब्रिस्तान में मुर्दों की आवाज सुन लेते हैं, जो मुर्दों से बातचीत कर लेते हैं, जो लाशों की गिनती भी बता देते हैं कि इतने से इतने लोग मर गए। कमलनाथ जी, थोड़ा तो प्रदेश पर रहम करो, उठो चलो। उम्रदराज व्यक्तियों, कोरोना समाप्ति पे है भाई, अभी किसी कहीं चल के गेहूँ बांट देते हैं, कम से कम ये कलंक तो नहीं रहेगा कि आप सेवा के मार्ग में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई नहीं आया। आपको बता दें कि कमलनाथ लगातार कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर हमलावर हैं और कोरोना से ही मौतों के आंकड़े मांग रहे हैं, लेकिन आंकड़े मांगने के साथ वो कुछ ऐसे विवादित बयान भी दे रहे हैं जिससे बवाल मच रहा है। कमलनाथ भाजपा का विरोध करते करते कब देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं, ये बात तो वो भी नहीं समझ पा रहे। तभी तो बार बार बीजेपी के विरोध करने के चक्कर में देश विरोध करने लग जाते हैं। पहले तो उन्होंने कोरोना को इंडियन वेरिएंट कोरोना बताया और फिर कह दिया कि भारत एक बदनाम देश है। कमलनाथ अपने इन्हीं बयानों के चलते घिरते जा रहे हैं और उनके बचने का अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीकी न्यूज एमपी। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार।